वेलकम टू टेस्टी फूड विद इशू। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर करे और दिली हाजात पूरी करे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और आलू। आलू को भी मैंने बॉईल कर लिया और अंडे चार मैंने लिए हैं, उन्हें भी मैंने बॉईल कर लिया। इसके अलावा मैंने लिए रेड मिर्च और हल्दी, गर्म मसाला, साबुत धनिया, नमक, अदरक लहसुन मैंने बारीक कूट लिया है, टमाटर और साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें और प्याज। इसके अलावा हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। कढ़ाई में हमने ऑयल को चढ़ा दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक कप प्याज। फ्रेंड्स, प्याज को तब तक अच्छे से भून लें जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान है, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ देते रहें ताकि हम बहुत आगे तक जा सकें। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन बारीक कूटा हुआ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, साथ ही इसमें जाएगी हल्दी, नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ 1 से 2 हरी मिर्चें भी ऐड करती हूँ। इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। आलू को तब तक भून लेंगे कि सारे मसाले जात इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आलू में मसाले जात अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए अंडे। अंडे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और साबुत धनिया। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे।
और 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे। फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आलू अंडे करी की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने की कोई पेमेंट नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप हमें इसी तरह हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।